नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने में मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट को ही शामिल किया है, ना मैदा है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना ही शक्कर, और ना ही हमें ओवन की जरूरत पड़ी है। लेकिन फिर भी पेस्ट्री एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है। हम कभी भी 15 मिनट में ही इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बगैर देर किए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाने के लिए हम सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओरियो बिस्किट है, ये मेरे पास फैमिली पैक है, 3 पैकेट हैं इसमें 100 ग्राम के, यानी कि इसमें जो 3 पैकेट हैं ये टोटल वजन में 300 ग्राम बिस्किट हैं। और बिस्किट आप ओरियो के बदले कोई भी बिस्किट जिसमें क्रीम होता है उसे ले सकते हो। 1 कप दूध, ये रूम टेम्परेचर पर है, और 1 इनो का पैकेट है। सबसे पहले हम बिस्किट में से रोल निकाल लेते हैं। तीनों रोल मैंने बाहर निकाल लिए हैं और इसमें ये इस तरह से ओरियो बिस्किट निकले हैं। ओरियो बिस्किट हम बाहर निकाल लेंगे। हम साइड में कर देते हैं और हम 2 बाउल ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसका क्रीम अलग करना है और बिस्किट अलग करना है। तो ये बिस्किट इस तरह से पहले हम अलग कर लेंगे। बिस्किट का जो ऊपरी वाला पोर्शन है उसको इधर रख लेंगे, और ये जो क्रीम है इसे हम चाकू से निकालते हुए एक अलग बाउल में निकाल के तैयार कर लेंगे। तो बिस्किट हम एक जगह रख लेंगे इस तरह से। ऐसे में 3 पैकेट के बिस्किट और उसका क्रीम अलग करके रख लेती हूँ। ये हमने सारे बिस्किट से इस तरह से क्रीम निकाल के अलग कर लिया है, और बिस्किट को हमने इस तरह से चाकू से पूरा हटा लिया है। अब बिस्किट के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। सारे बिस्किट को तोड़ लेंगे और मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक हम पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो हम टुकड़ों को मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने मिक्सी में बिस्किट का पाउडर बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है, बढ़िया बिल्कुल पाउडर बना है। और फ्रेंड्स, अब बैटर तैयार करने से पहले हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक लोहे का तवा, जो कि ऑर्डिनरी तवा है, इसे गैस पर मैं प्रीहीट होने के लिए रख देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, तब तक हम बैटर बनाएंगे। और हमें केक बनाने के लिए कोई केक टिन नहीं चाहिए, इस तरह का हमारे पास कोई भी पैन हो हम उसमें इसे बनाएंगे। तो मैंने इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया, और उसके बाद में होममेड बटर पेपर लगाकर उसे भी ऑयल से ग्रीस करके तैयार करके रखा है, ताकि हम जैसे ही बैटर बनाएंगे तो हम उसे रखेंगे नहीं, तुरंत इसे कुक होने के लिए रख देंगे। तो अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसमें जो हमने ये बिस्किट का पाउडर बना के तैयार किया है उसे डाल देंगे। और जो हमने दूध लिया है तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हम एक अच्छा स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। जरूरत के हिसाब से इसमें हम दूध डालते जाएंगे, और इसे एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से अच्छे से बैटर इसका बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए पूरा बैटर तैयार कर लिया, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। हम इसे डाल रहे हैं तो इस तरह से ये रिबन फॉर्म में आ रहा है। और जो मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से बस 1 टेबल स्पून ही दूध इसमें बचा है, बाकी पूरा 1 कप दूध इसमें लग गया है। अब हमने जो इनो लिया था उसे मैंने काट लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच इनो होता है, इसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास में इनो नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे हम दूध डाल देंगे ताकि जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। इसे भी हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे, और जो पैन हमने तैयार किया है उसमें इसे शिफ्ट कर देंगे। बैटर को मैंने
जो पेन हमने ऑयल लगा के तैयार किया हुआ था उसमें डाल दिया है, और इसे एक दो बार में से टेप कर देते हैं। तवा भी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे तवे पर रख देते हैं। बेटर को मैंने प्री हीट जो हमने तवा किया था उस पर इसे रख दिया है। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है, और अब हम इस पे लीड लगा देते हैं और 12 से 15 मिनट तक हम इसे ऐसे ही बेक होने देंगे। उसके बाद में इसे हम चेक कर लेंगे। केक बेक हो रहा है, तब तक हम उसकी क्रीम भी बना के रख लेते हैं। तो ये बिस्किट के जो हमारे पास क्रीम था उसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल देती हूँ। बहुत पतला हमें नहीं चाहिए, और चम्मच ले लिया है और इसी की सहायता से इसे दबाते हुए पूरा हम मेश कर लेंगे अच्छे से, और इसको बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे, बिल्कुल इसे क्रीम जैसा बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम पेस्ट्री पर उसी क्रीम को अप्लाई करेंगे। कितनी आसान पेस्ट्री की रेसिपी है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप चाहें तो उसका केक भी बना सकते हैं। इसमें हमें न मैदा चाहिए, न बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं चाहिए, शक्कर भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी ही बहुत मीठे होते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका ये क्रीम मेश हो रहा है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे, तो ये बिल्कुल इसका टेक्सचर क्रीमी आ जाएगा। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमारा केक भी बहुत अच्छे से बेक हो गया है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए स्टिक बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, मतलब हमारा केक बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और जो क्रीम था उसे भी मैंने बहुत अच्छे से फेंट के फ्रिज में थोड़ी सी देर उसे सेट होने के लिए रख दिया है। अब हम केक को ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं इसे पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है, और एकदम उसकी जाली भी बहुत ही बढ़िया वाली आई है। इसे अब हम बोर्ड पे रख लेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने शक्कर ली है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। शक्कर अच्छे से इसमें घुल जाती है, तब तक हम इसे स्क्वायर कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पेस्ट्री बनानी है। देखिए काटने से ही समझ में आ रहा है ना कि कितना सॉफ्ट बना है। इसी तरह से मैं इसकी चारों एजेस काट के इसे चौकोर बना लेती हूँ। मैंने इसे इस तरह से स्क्वायर में कट कर लिया है, चारों तरफ से इसको काट दिया है। अब हम इसे बीच में से भी कट कर लेते हैं। मेरे काटने से ही समझ आ रहा है ना कि कितना बढ़िया बना है। और इसका ये एक पोर्शन थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। और इस पर हम शुगर सिरप लगा देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पोर्शन पर भी शुगर सिरप लगा दूंगी। मैंने पेस्ट्री के दोनों पार्ट पे शुगर सिरप लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमारा क्रीम भी फ्रिज पर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे भी इस पर लगा देंगे, और किसी भी चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से भी इस पे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। बना है ना क्रीम बिल्कुल बढ़िया वाला, और हमें कोई एक्स्ट्रा उसमें क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ी। बिस्किट का ही जो क्रीम था उसी में दूध डाल के हमने इसे इस तरह से बना दिया है। पूरे पे मैं बहुत अच्छे से इसे फैला देती हूँ। एक से एक मैंने पूरा अच्छे से क्रीम लगा दिया है। अब हमारा ये जो दूसरा पोर्शन है इसे हम इस पर
इस तरह से रख देंगे। और इस पर भी हम ये क्रीम लगा देंगे। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी पेस्ट्री। इसे भी हम अच्छे से क्रीम लगा देंगे। मैंने पेस्ट्री की ऊपर की लेयर पे भी इस तरह से क्रीम लगा दिया है। मेरे पास कैडबरी के छोटी वाली जो टॉफी है वही है, मैं उसी से इसे गार्निश कर रही हूँ ताकि खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी और दिखने में तो लगेगी ही। इसके बदले आप जो डार्क चॉकलेट होती है उसे भी इस पर इस तरह से लगा सकते हैं। दिख रही है ना बहुत ज्यादा सुंदर। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम इसे हाफ कर देंगे। और फिर से इसे हाफ करेंगे। काटने से ही समझ में आ रहा है ना कि कितनी बढ़िया बनी है, एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से। देखिए मैं आपको इसे इस पास से भी दिखाती हूँ ये कितनी बढ़िया बनी है। देखिएगा इस साइड से भी देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की ही तरह। और बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से और थोड़े से ही सामान से हमारी बहुत ही बढ़िया पेस्ट्री बनकर तैयार हो गई है। तो जब भी बच्चे पेस्ट्री खाने की जिद करें तो हम सिर्फ ओरियो के बिस्किट के पैकेट से ही इतनी बढ़िया टेस्टी पेस्ट्री घर पर ही बना सकते हैं।